पास्ता भैया, पास्ता। हाँ जी भैया, पास्ता। क्या आपने इससे पहले फ्रूट पास्ता खाया है? नहीं खाया होगा फूडीज। क्या आपने इससे पहले वाइट सॉस पास्ता खाया है? क्या आपने इससे पहले रेड सॉस पास्ता खाया है? क्या आपने इससे पहले पूरे दिन 24 घंटे हर मील पास्ता ही खाई है फूडीज? मेरे ख्याल से नहीं खाई होगी। अगर नहीं खाई है तो कोई बात नहीं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज हर्षोगियन। आई एम द फाउंडर ऑफ फूडी मूडी एंटरप्रेन एंड ऑफिशियल फूड अकॉर्डिंग मूड। सो लेट गेट स्टार्टेड फूडीज। आज मैं पूरे दिन पास्ता खाऊंगा। आज मैं तरह तरह के पास्ता बनाऊंगा। हर दिन 24 घंटे हर मील पास्ता की होगी। आज हम फ्रूट पास्ता खाएंगे, आज हम वाइट सॉस पास्ता खाएंगे, आज हम रेड सॉस पास्ता खाएंगे, आज हम सारे टाइम पास्ता ही पास्ता खाएंगे। बहुत मज़ा आएगा। पूरी वीडियो देखते रहिएगा। वीडियो अच्छी लगी ना तो मेक श्योर यू लाइक इट एंड सब्सक्राइब इट। चलिए बात से काम स्टार्ट करते हैं। मॉर्निंग टाइम एट 9 AM। सो फूडीज, मॉर्निंग टाइम हो चुका था। मॉर्निंग टाइम में मैंने बनाया अपना मिक्स फ्रूट पास्ता। आप जैसे तो मैंने पास्ता में पॉमीग्रेनेट डाला है। पॉमीग्रेनेट डालने के बाद फूडीज हम इसमें फ्रूट्स डालेंगे, एप्पल डालेंगे। एप्पल बहुत बढ़िया होता है आपकी हेल्थ के लिए। फिर हम मैंने इसमें पेयर डाली है। उसके बाद फूडीज हम उसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। हम अपना पास्ता बना रहे हैं मिक्स फ्रूट पास्ता। क्या आपने खाया अभी तक? नहीं खाया फूडीज? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। तो फूडीज फाइनली मेरा फ्रूट पास्ता रेडी है। कि आपने इससे पहले फ्रूट पास्ता खाया? मेरे ख्याल से नहीं खाया होगा। अगर नहीं खाया तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आपने इससे पहले फ्रूट पास्ता नहीं खाया। तो आप देख सकते हो कि मैंने फ्रूट पास्ता बना लिया फूडीज। आइए फूडीज, तो आप देख सकते हो फूडीज यार कितना बढ़िया लग रहा है हमारा ये फ्रूट पास्ता। आप देख सकते हो कि इसमें मैं आपको बता दूँ, इस पास्ता में मैंने बहुत सारे फ्रूट्स डाले हैं। इसमें मैंने आप देखते हो हमें पॉमीग्रेनेट पड़ा है, इसमें यहाँ पे एप्पल डाला था मैंने इसमें, और बहुत सारी तरीके के फ्रूट्स डाले थे। और उसको मैंने मेयोनीज से अच्छी तरीके से इसमें अपने पास्ते में मिक्स कर लिया मेयोनीज। और आप देख सकते हो कि इसमें कोरिएंडर पड़ा है। कितना बढ़िया लग रहा है हमारा ये फ्रूट पास्ता यार। बस सोचिए खाने में कितना बढ़िया होगा ये फ्रूट पास्ता। खाता हूँ फ्रूट पास्ता और आपको बताता हूँ कैसा बना यार। ये बहुत टेस्टी है, सो डिलीशियस फूडीज। मुझे तो रुका नहीं जा रहा, अब मैं खाता हूँ आपको बताता हूँ कितना बढ़िया बना है। भैया बहुत बढ़िया बनाए पास्ता। इसमें खाकर एकदम फ्रेशनेस फील आ रही है। फ्रूट जो होते हैं वो बहुत बढ़िया होते हैं हेल्थ के लिए, आप सब जानते हो। पास्ता जो है वो भी बढ़िया होता है। दोनों कॉम्बिनेशन जब मिलता है तो बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है। ज़रूर बनाइए, ज़रूर खाइए फ्रूट पास्ता, ज़रूर बनाइए फूडीज। मिलते हैं आपसे लंच टाइम एट 2 PM। सो फूडीज फाइनली मैंने लंच में बनाया अपना चीज़ी वाइट सॉस पास्ता। आप देख सकते हो कि मैंने पहले पैन में बटर डाला, अच्छी क्वांटिटी में बटर डाली क्योंकि हम चीज़ वाइट सॉस पास्ता बना रहे हैं। उसके बाद हम पास्ता डाल देंगे। आप देख सकते हो कितना बढ़िया लग रहा है पास्ता, किसी का भी खाने का मन कर जाए फूडीज। आप देख सकते हो उसके बाद हम इसमें पेस्ट डालेंगे अपना पास्ता का, और ये बहुत टेस्टी और बहुत जल्दी बनता है पास्ता यार। ज़रूर खाइए, ज़रूर बनाइए, मेरा तो फेवरेट है चीज़ वाइट सॉस पास्ता फूडीज। के बाद हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। हमारा पास्ता बन रहा है, इसके बाद मैं इसे टेस्ट करता हूँ और आपको बताता हूँ कैसा बना। तो फूडीज फाइनली लंच टाइम हो चुका था, और आप देख सकते हो कि मैंने अपना वाइट सॉस पास्ता बना लिया यार। बहुत बढ़िया होता है वाइट सॉस पास्ता, मेरा फेवरेट है। क्या आपका भी फेवरेट है? अगर हाँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करके बताइए। आइए फूडीज, तो यार आप देख सकते हो फूडीज मैंने अपना वाइट सॉस पास्ता बना लिया है। आप सबसे पहले देखिए कितना बढ़िया लग रहा है हमारा ये वाइट सॉस पास्ता। इसमें देखिए कॉर्न कितना बढ़िया लग रहा है, कोरिएंडर कितना बढ़िया लग रहा है, और पास्ता देखिए कितना बढ़िया लग रहा है यार। काफ़ी लाजवाब है और काफ़ी बढ़िया बात है। सोचिए खाने में कितना बढ़िया होगा। मुझसे रुका नहीं जा रहा फूडीज, अब मैं खाता हूँ और आपको बताता हूँ कि फूडीज कितना बढ़िया बना है हमारा ये कौन सा पास्ता है। वाइट सॉस चीज़ पास्ता यार, वाइट सॉस चीज़ पास्ता। भैया इसमें इतनी ज़्यादा चीज़ पड़ी है ना। पास्ता अपने आप में बढ़िया होता है, वाइट सॉस पास्ता में चीज़ ज़्यादा पड़ती है। और जो मैंने डाला है ना, तो इसमें चीज़ भी डाल दी थी, मेयोनीज भी डाल दी थी, और इतना बढ़िया बनाया ना वाइट सॉस पास्ता कि मज़ा आ गया। मन और दिल दोनों खुश हो गए। आपको भी खाना है, लीजिए आप भी खाइए, लीजिए आप भी खाइए। भैया मैं इन्जॉय करता हूँ अपने लंच टाइम में, और मिलेंगे आपसे इवनिंग टाइम में। इवनिंग टाइम एट 6 PM। सो फूडीज फाइनली इवनिंग टाइम हो गया था, और इवनिंग टाइम में मैंने बनाया अपना वेजिटेबल पास्ता। फूडीज वेजिटेबल पास्ता बनाया। जैसे तो मैंने पहले पैन में बटर डाला, अच्छी क्वांटिटी में बटर डाली क्योंकि मुझे पसंद है ज़्यादा बटर। उसके बाद मैं इसमें अनियन डालूंगा। मैंने आपको बता दूँ ये वेजिटेबल पास्ता बना रहा हूँ, मैंने वेजिटेबल इसमें एक्स्ट्रा कर डाल रहा हूँ। उसमें देखिए अनियन डाली है मैंने, टमाटो डाला है। उसके बाद मैं फूडीज इसमें कैप्सिकम भी डालूंगा। जैसे तो मैंने इसमें कैप्सिकम भी डाल दिया है फूडीज। उसके बाद आप इसको अच्छी तरीके से फूडीज मैं मिक्स कर लूँगा, क्योंकि मैं आपको बता दूँ फूडीज मैं वेजिटेबल पास्ता बना रहा हूँ, तो वेजिटेबल अपने आप में बड़ी होती है। मैं वेजिटेबल एक्स्ट्रा डाल रहा हूँ इसमें। आप जैसे तो कितना बढ़िया कलर लग रहा है, किसी भी खाने का मन कर जाए यार, कितना बड़े लग रहा है ये। उसके बाद फाइनली मैं अपना पास्ता डाल दूंगा। आप देखते हो पास्ता की कलर देखिए, शेप देखिए, कितनी बड़े लग रहा है, कितना ग्रीन ग्रीन हो गया है, कितना मज़ेदार, कितना बढ़िया हो गया, किसी का भी खाने का मन करेगा फूडीज। अब हम फाइनली इसमें टेस्ट मेकर, टेस्ट बूस्टर डाल देंगे, मसाला डाल देंगे, जो मसाला होता है टेस्टी होता है एकदम ये। उसके बाद खा के आपको बहुत मज़ा आएगा फूडीज। आप देख सकते हो कि ऑलरेडी कितना कलरफुल लग रहा है हमारा पास्ता। इसमें वेजिटेबल्स देखिए, इसमें आप देख सकते हो कि इसमें
वेजिटेबल सारी पड़ी हुई है, इसमें मटर पड़ी है, कितना बड़ा लग रहा है खाने। फूडी फाइनली इवनिंग टाइम हो चुका था, घड़ियां बज गए थे 6 और आप देख चुके हो कि मैं अपना वेजिटेबल पास्ता बना चुका हूँ। वेजिटेबल पास्ता में मैंने यार फूडीज आपको बता दूँ एक्स्ट्रा वेजिटेबल और डाली हैं जिससे कि हमारा पास्ता काफ़ी बढ़िया बने। वेजिटेबल पास्ता में मैंने जो पास्ता आता है मैगी वाला वो लिया था और उसमें मैंने एक्स्ट्रा वेजिटेबल्स डाल दी थी अकॉर्डिंगली, जो कि आप देख चुके हो। उसमें मैंने बटर डाला था, अनियन डाली थी, कैप्सिकम डाली थी, सारी वेजिटेबल्स डाल दी थी। बहुत अच्छे से बना था हमारा वेजिटेबल पास्ता। फूडीज आइए ज़रा मेरे पास, तो आप देख सकते हो यार ये वेजिटेबल पास्ता रेडी है। इसमें मैंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जानबूझ के वेजिटेबल्स डाली थी, इसमें टमाटो डाला था, इसमें मैंने अनियन डाली थी, कैप्सिकम डाला था, कोरिएंडर डाला था और आप देख सकते हो कितना बढ़िया लग रहा है। देखिए कितनी बढ़िया लग रही है, मैं खाता हूँ ना खाता हूँ कितना बढ़िया बना है, जितना टेस्टी बनाया ना पूरी, जितना टेस्टी बनाया। जो वेजिटेबल्स होती हैं ना अपने आप में हेल्दी होती हैं, वेजिटेबल्स में जब हम पास्ता डाल देते हैं तो फ्लेवर आता है ना बहुत बढ़िया आता है, बहुत ही टेस्टी है। आप इसे ज़रूर बनाइए, ज़रूर खाइए और मैं आपको रिकमेंड करूँगा पास्ता, बढ़िया यार पूरे दिन खा के दिखाइए पास्ता। डिनर टाइम एट 9 PM, सो फूडीज फाइनली डिनर टाइम हो गया था। डिनर टाइम में मैंने बनाया रेड सॉस पास्ता। फूडीज आप जैसे पैन में बटर डाला, उसमें वाटर डाला, फिर अपने पास्ता निकाल रहा हूँ, कितना बड़ा लगेगा खाने में। फूडीज रेड सॉस पास्ता आप जैसे कितना बड़ा लग रहा है मैगी का। उसके बाद अब देखिए मैं इसको मिक्स कर रहा हूँ और आपको खा के बताऊंगा कितना बढ़िया। फाइनली डिनर टाइम हो चुका था, पूरे दिन मैंने आज आपको दिखाया तरह तरीके पास्ते, फ्रूट पास्ता दिखाया मैंने आपको, चीज़ पास्ता दिखाया मैंने आपको, वेजिटेबल पास्ता दिखाया। फूडीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देगी कि आपको कैसा लगा फूडीज़। आज फाइनली मैंने अब डिनर हो गया था, डिनर में मैंने बना लिया था अपना रेड सॉस पास्ता। आइए देखिए कितना बड़ा लग रहा है ये हमारा रेड सॉस पास्ता। कोरिएंडर देखिए इसमें और देखिए पास्ता कितना बड़ा तरीके का बना हुआ है इसमें, कितना बड़े तरीके से इसमें आप देख सकते हो कितना बड़े तरीके से ग्रेवी बनी है पास्ता की और कितना बड़ा लग रहा है। देखिए इसकी शेप देखिए पास्ता की, इसमें कर्ल्स देखिए कर्ल्स कितना बड़े लगे यार खाने में। अब देखते हैं खाते हैं और आपको बताते हैं कि कैसा बना है हमारा रेड सॉस पास्ता। फूडीज आपको खाने में बहुत मज़ा आएगा और खूब टेस्टी होता है और खूब बढ़िया होता है। आइए ऐसे खाते हैं और आपको बताता हूँ कितना बढ़िया बना है हमारा रेड सॉस पास्ता। फूडीज बहुत बढ़िया होता है, ज़रूर खाइए। सो टेस्ट, मज़ा आ गया फूडीज, मज़ा इतना टेस्टी बना है, इतना बढ़िया बना है ना मैं आपको क्या बताऊँ। आपकी रिकमेंडेशन में हमने पास्ता चैलेंज बनाया पूरी, तो फर्दर आप रिकमेंड करिए कि आप कौन कौन से फर्दर और चैलेंजेस जो हैं जो कि आप देखना चाहते हो यार, क्योंकि आप ही बताते हो हमें और हमारा मन लगा रहता है वीडियोस में। बता भी दो यार अगला चैलेंज कौन सा आप देखना चाहते हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा यार। अब मैं तो पास्ता खा चुका हूँ, मुझे तो बहुत मज़ा आया पास्ता खाकर। अब आप भी बनाइए, खाइए, घर पर खिलाइए, लोगों को खिलाइए, सबको खिलाइए और आनंद उठाइए, खुश रहिए। और जब तक के लिए आपको बताए ना, stay happy and keep smiling.